नमस्कार, आप जो देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, तो ये बड़ी खबर विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा और उस पर अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। पेश हो गया है, आपको बता दें, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है पेश हो गया है। अनुपूरक बजट पर अब चर्चा होगी सदन में। शीतकालीन सत्र का ये दूसरा दिन है, ये बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उस पर अनुपूरक बजट पर अब चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कांबोज जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अजीत, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट पर आज चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, अभी उत्तराखंड सत्र की अगर बात की जाए तो 11 बजे से सदन की जब कार्रवाई शुरू हो गई तो बीते रोज उत्तराखंड सरकार ने 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है सदन के पटल पर। उस पर आज चर्चा होगी। अब चर्चा कितनी सार्थक होगी इसका इंतजार रहेगा। सीधे तौर पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो कल पुरजोर तरीके से विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया था अपना और हंगामेदार रहा कल का पहला दिन। तो साफ है कि आज भी तैयारी विपक्ष की पूरी है और सीधे तौर पर कई सवालों को लेकर वो जवाब चाहेंगे। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जब 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो प्रश्नकाल के दौरान तमाम सवालों के माध्यम से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और इसके बाद जब 12:20 के बाद शून्यकाल शुरू होगा तमाम जो याचिकाएं हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी। नियम 58 की बात हो या 310 की बात हो, तो इसके माध्यम से सरकार को एक बार फिर से विपक्ष घेरने की यहां पर पूरा मन बना चुका है। बीते रोज ही विपक्ष के तमाम विधायकों ने और खुद नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार से वो हर सवाल का जवाब चाहेंगे। तो ऐसे में पहले दिन में तमाम तरीकों से सरकार को घेरा गया और अब आज सत्र का दूसरा दिन है तो ऐसे में अनुपूरक बजट पर तो चर्चा होगी। तमाम अध्यादेश जो कल सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से, उन पर भी आज चर्चा होनी है। अजीत, ये भी बताया जा रहा, खबर ये भी आ रही है कि विधेयक भी पेश होंगी और कौन कौन से विधेयक पेश होने वाली है। 10 विधेयक बताया जा रहा पेश होने वाला है। बिल्कुल, अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो कल राज्य सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 10% राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण पर विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया है, तो उस पर आज चर्चा होनी है। इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर भी जो तमाम नाराजगी थी महिलाओं की, उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है और बीते रोज ही 30% महिला आरक्षण को लेकर भी विधेयक सदन के पटल पर प्रस्तुत हो चुका है। तो ऐसे में इसके अलावा 4 से 6 विधेयक और है जो सदन के पटल पर आने हैं, तो इन सभी को लेकर आज चर्चा होनी है। अब इसमें विपक्ष कितना सहमत होगा सरकार के फैसले से इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर राज्य आंदोलनकारी या महिला आरक्षण को लेकर तो गंभीर है, लेकिन इसके अलावा सरकार जो अन्य अध्यादेश विधेयक लेकर आ रही है सदन में उससे कितना संतुष्ट होंगे, क्या सरकार उनको पुरजोर तरीके से संतुष्ट कर पाएगी या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। विपक्ष अपनी तैयारी पूरी करने के साथ पहुंच रहा है सदन में। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं, तमाम अधिकारी विधानसभा पहुंच चुके हैं और जब 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो खुद मुख्यमंत्री इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, तो उम्मीद भी यही होगी कि मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभालेंगे और सभी सवालों का जवाब देंगे। अजीत, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो विपक्ष है वो घेरने वाली है सरकार को, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है सरकार को घेरती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो बीते रोज नियम 58 के तहत कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर चर्चा शुरू हुई थी 4:10 से और रात्रि 7:30 तक चली है, तो समझा जा सकता है कि 3.5 घंटे से ऊपर ये चर्चा चली है कानून व्यवस्था को लेकर। सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था और विपक्ष इसको आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहा था। विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो पूरे आंकड़ों के साथ सदन में उपस्थित थे। तमाम आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए कि धामी सरकार के 9 माह के कार्यकाल में कितने हत्याएं हुई है, कितने रेप हुए हैं, कितनी लूट हुई है, तो तमाम ऐसे बड़े आंकड़े थे जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बीते रोज सदन में प्रस्तुत किए गए। अब आज की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था से अलग बेरोजगारी की बात हो, UK SSS घोटाले की बात हो या फिर सबसे बड़ा विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले की बात हो, तो तमाम ऐसे प्रकरण है जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के साथ तमाम विधायक लामबंद होते हुए नजर बना रखिए। आपसे और भी जानकारी लेंगे, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है शांति व्यवस्था बनाने और धरना प्रदर्शन रोकने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा के 300 मीटर परिधि में आपको बता दें कि धारा 144 लागू की गई है। यह व्यवस्था 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक रहेगी।
सत्र की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने, सुनिए। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर जी हमारे साथ है। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है विधानसभा में, किस तरह से की गई है? पूरी इसको हमने चारों तरफ से कॉर्डन भी कर रखा है, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, दोनों में हमारे एसपी रैंक के अधिकारी इसके प्रभारी हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, चार हमने बैरिकेडिंग रोडों पर की हुई है, जहाँ से जो आंदोलनकारी हैं या जो जुलूस में लोग यहाँ विधानसभा क्षेत्र तक आने का प्रयास कर सकते हैं उनको रोकने के लिए सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। मेन जगह पर जो है जो जैसे पास होल्डर्स को ही अंदर केवल आएंगे उसको हम सुनिश्चित करा रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था हो विधानसभा परिसर में, बाहर में, वो व्यवस्थाएं हमने पूर्ण कर ली हैं। सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। एक एक घटनाक्रम का, धरना प्रदर्शन का जो भी होंगे उसका एक एक घटनाक्रम का हम लोगों ने क्षण प्रति क्षण वीडियोग्राफी की व्यवस्था करी है। और मैंने चार दिन पहले जो तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके प्रतिनिधियों से मेरी मीटिंग हो गई है, मैंने उनको बता दिया है कि डूज और डोंट्स के बारे में, और उनको अवगत करा दिया है कि उनके अपनी सीमा में रहेंगे, हम अपनी सीमा में रहेंगे, उनकी सीमाएं क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हैं, चाक चौबंद व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कितना पुलिस बल राजधानी में लगाया गया है या फिर आसपास के एरिया में विधानसभा में कितना पुलिस बल लगाया गया? पर्याप्त पुलिस बल है, लगभग 5 कंपनी हमने पीएसी लगाया हुआ है, उसके अलावा एसपी रैंक के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं और हमारे सीओज हैं, चौकी मतलब हेड कांस्टेबल सिपाही पर्याप्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र है, संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वस्तुओं पर भी नज़र है, और जो भी गलत काम करेगा, शांति व्यवस्था भंग करेगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। सर, धारा 144 भी लगाई गई है, ऐसे में आप अपील भी क्या करेंगे जनता से कि वो किस तरह से इन बातों का ध्यान रखें? उसको भी हमने प्रचार प्रसार कर लिया गया है, और धारा 144 का उल्लंघन जो करेगा तदनुसार उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत होगा। एक बड़ा इशू है ट्रैफिक का, ट्रैफिक का हमने ये प्रयास किया है कि पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, और उसके लिए हमने डायवर्जन का भी प्लान बखूबी विभिन्न मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से प्रसार प्रसारित कर दिया है, और प्रतिदिन हम ये कर रहे हैं, और जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था अपने कुछ दिक्कतें होंगी लेकिन उन दिक्कतों के दृष्टिगत ही अगर कोई इमरजेंसी वाला कोई केस आएगा उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पर जो उनको निकाल देंगे, और सत्र के दौरान शांति व्यवस्था सुरक्षा के दृष्टिगत जो डायवर्जन किया गया है उसका प्रचार प्रसार करते हुए उसको हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, फील्ड में लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को। धन्यवाद सर जनता टीवी से बात करने के लिए। तो दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि तमाम व्यवस्था चाक चौबंद की जा चुकी है। देहरादून से विशाल गर्ग, जनता टीवी। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एएसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर रामपुर के रण में। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एएसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर रामपुर के रण में उतरे हुए हैं, ये बड़ी खबर। 11 बजे भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचेंगे चंद्रशेखर, जयंत चौधरी भी आज रामपुर पहुंचने वाले हैं, आसिम राजा के लिए लोगों से संवाद करेंगे। तो रामपुर के रण में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पहुंचेंगे, 11 बजे भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचेंगे, जयंत चौधरी भी आज रामपुर पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। आसिम राजा के लिए लोगों से ये तमाम नेता जो हैं जनसंवाद करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुरेश कुमार रामपुर से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, चंद्रशेखर पहुंचेंगे रामपुर में और जनसंपर्क भी करेंगे, ये भी ऐसी खबर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दूं मैं, रामपुर आज चंद्रशेखर जी का आगमन है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो आसिम राजा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वो रैलियां करेंगे और जगह जगह लोगों से संवाद भी करेंगे, क्योंकि आजम खान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि रामपुर प्रशासन कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसा रहा है और दबाव बना रहा है कि वो कहीं ना कहीं इलेक्शन किसी तरीके से हार जाएं, और बीजेपी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। जी जी सुरेश, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है वहां पर,
क्योंकि तमाम बड़े नेता जो हैं पहुंचने वाले हैं वहां पर। देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो रामपुर प्रशासन पहले से ही चौकस है और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है कि किसी तरीके की कोई ऐसी अनहोनी ना घटे जिससे उनके ऊपर सवाल खड़ा हो, क्योंकि रामपुर प्रशासन पे लगातार काफी समय से प्रसन्न चिन्ह लगा आ रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग भी प्रसन्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव 1 तारीख को आने वाले हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार यहां से देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से रामपुर के जो आला अधिकारी हैं और जो बाहर से कंपनियां आई हैं वो सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद होंगी। जी, जयंत चौधरी भी पहुंचेंगे आज। सुरेश जी, मैं बता दूं कि जयंत चौधरी जी का प्रोग्राम आज का शायद नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी जी 3 तारीख को रामपुर आ रहे हैं और 1 तारीख को जो अखिलेश जी आ रहे हैं, और आज चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन करेंगे। रात जो एक जनसभा हुई थी आजम खान ने, उसमें कहा था कि मुझे 47 साल पहले एक फोन आया था जिसमें ये धमकी दी गई थी कि आप अगर वहां पहुंचेंगे तो मार दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आजम खान लगातार उस समय से अब तक ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या कुछ लोग हमें नहीं चाहते देखना और समाजवादी पार्टी को जानबूझकर हराना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं रामपुर में इस समय बीजेपी का जो है दबदबा देखने को मिल रहा है, पूरा कैबिनेट स्तर जो है रामपुर पर लगा हुआ है, क्योंकि आजम खान की साख भी दांव पर है और बीजेपी की साख भी दांव पर है। लगभग 50 वर्षों से बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई है, उसको देखने के लिए लगातार वो चाहती है कि ये सीट इस बार जीते, क्योंकि अगर अब नहीं जीते तो शायद कभी नहीं जीतेंगे। जी सुरेश, धरातल पर क्या माहौल है चुनावी मामले को लेकर के, क्योंकि रामपुर में हम देख रहे हैं लगातार जो है आजम खान ये निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हमें कई तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, तो किस तरीके से जनता देख रही है इस चीज को, चुनावी माहौल को? देखिए, मैं अगर जनता की बात करूं, जनता इस समय वोट का जो हैगा वो कहीं ना कहीं आकलन बीजेपी की तरफ को देख रहा है, लेकिन अगर बात करें तो जो उनका अपना आजम खान का अपना वोट है जो बहुत मजबूत वोट हैगा जो कभी नहीं कटता है, उनको जाता है चाहे वो हिंदू वोट हो चाहे वो मुस्लिम वोट हो, क्योंकि आजम खान लगातार 10 बार के विधायक भी रहे और जो उनकी राजनीति रही है वो जमीनी स्तर से चली आ रही है। उन्होंने अपनी सरकार में जो काम किए थे उसी सरकार के कामों को देखते हुए लोग लगातार ये कहते हैं कि आजम खान को ही जिताएंगे। अगर अब बात करें इस समय की, तो जो बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार रामपुर में नजर बनाए हुए हैं वो ये चाहते हैं कि इस बार सीट जीते, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक पसमानदा कार्यक्रम करके जो मुस्लिम लोग हैं उनको मतदाताओं को रिझाने का काम किया और ये कार्यक्रम के उन्होंने मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित किया है और रामपुर के काफी हद तक मुसलमान उनसे जुड़े भी हैं। लेकिन अगर वोट की बात करें तो शायद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैगी इस बार। ठीक है सुरेश, नजर बना रखिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का मुजफ्फरनगर दौरा आज है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर का दौरा आज होने वाला है। खतौली उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये जनसभा होगा और डीएमएसएसपी ने इसको लेकर के जनसभा का निरीक्षण किया है, स्थल का, जनसभा स्थल का, खतौली में नवीन मंडी में। ये बताया जा रहा है कि सीएम की ये जनसभा होने वाली है, वहां पर तमाम प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे पवन कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। पवन, योगी आदित्यनाथ का आज मुजफ्फरनगर दौरा है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जा रही है प्रशासन की तरफ से? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन में जनसभा है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में आएंगे और 1 घंटा मुजफ्फरनगर में बिताएंगे। 1 घंटा लगातार ये चुनावी जनसभा पर जनसभा राजकुमारी सैनी जो बीजेपी की प्रत्याशी है, विधायक पूर्व विधायक विक्रम सैनी की धर्मपत्नी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे कीर्तिमान। और लगातार इसके लिए पुलिस प्रशासन 2 दिन से एक्टिव है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर आया है और उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ ही बीजेपी के बड़े नेता भी जनसभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूरी तैयारी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कर ली गई है और लगातार इस वक्त मुजफ्फरनगर में खतौली इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है जनसभा स्थल पर और इंतजार कर रहा है कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खतौली में है
और कार्यकर्ताओं से जनसभा को संबोधित करे कीर्तिमान। लगातार विधानसभा में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, काफी मंत्री इस वक्त खतौली विधानसभा के अंदर मौजूद है और अपने प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को जिताने को लगातार जनसंपर्क कर रहे, गली गली में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रही है। वही आज ये चुनाव बड़ा इसलिए हो जाता है कि इससे पहले खतौली विधायक विक्रम सैनी दो बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2013 में यहाँ पर एक कांड हुआ था उसमें जिसमें जमानत उनकी खत्म कर दी गई थी, 2 साल की सजा हुई थी विक्रम सैनी को, उसके बाद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तभी ये उपचुनाव खतौली में हो रहा है। यह टिकट खतौली विधायक विक्रम सैनी की धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी को दिया गया है, इसके लिए पूरा एडी चोटी तक का जोर बीजेपी के नेताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने लगा रखा है कि राजकुमारी सैनी को जिताया जाए। यही इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में आ रही है कीर्तिमान। ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें खतौली उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा होने वाली है। खतौली में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज जनसभा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी के रण में भूपेंद्र चौधरी, ये बड़ी खबर आ रही है सामने। आपको बता दें मैनपुरी के रण में भूपेंद्र चौधरी होंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। इटावा मैनपुरी में प्रचार करेंगे, जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक भी होने वाली है। चौधरी शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। मैनपुरी के रण में भूपेंद्र चौधरी उतर चुके हैं, इटावा मैनपुरी में प्रचार करेंगे, जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक भी करेंगे। तो आपको बता दें चौधरी शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे, बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मैनपुरी से। इटावा मैनपुरी के प्रचार में भूपेंद्र चौधरी उतर चुके हैं, जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मैनपुरी के रण से, भूपेंद्र चौधरी अब इटावा मैनपुरी में भी प्रचार करेंगे। जसवंत नगर में जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में प्रचार करेंगे, चौधरी शक्ति के कार्यक्रम में बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो मैनपुरी से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जसवंत नगर में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। और चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। डीके ठाकुर को एडीजी पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड बनाया गया है और विजय मीना को एडीजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया गया है। तो यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले, डीके ठाकुर को एडीजी पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड बना दिया गया है, विजय मीना को एडीजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। डीके ठाकुर को एडीजी बनाया गया है और विजय मीना को एडीजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बना दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अनूप, यूपी में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, 2 अधिकारियों का ये जो है फेरबदल किया गया है, क्या जानकारी आपके पास? तबादले किए गए थे और आज देर रात 2 बड़े जो आईपीएस हैं, जो वरिष्ठ आईपीएस हैं, उनके तबादले किए गए हैं। एडीजी स्तर के हैं, ध्रुव कुमार ठाकुर लंबे समय से डीजीपी और हेडक्वार्टर अटैच थे, उसके पहले पुलिस कमिश्नर लखनऊ थे काफी लंबे समय से, उसके बाद उनको अटैच कर दिया गया था। उसी प्रकार से विजय सिंह मीणा भी डीजीपी हेडक्वार्टर अटैच थे, अब दोनों लोगों को चार्ज मिल चुका है। विजय कुमार मीणा को विशेष जांच सतर्कता एडीजी बनाया गया है और कई ध्रुव कुमार ठाकुर को भर्ती मुख्यालय और पदोन्नति विभाग भेजा गया है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से दोनों ही वरिष्ठ आईपीएस हैं, उनकी जो अभी तक उनका जो अनुभव रहा है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या फिर किसी विभाग में बात करें, अच्छी पकड़ बनाई, तो इसकी वजह से एक बड़े जो जिम्मेदारी का पद सौंपा गया है। निश्चित रूप से ध्रुव कुमार ठाकुर जिस तरीके से लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के रूप में अहम भूमिका निभाई थी और तमाम ऐसे काम किए थे कानून व्यवस्था से जुड़े जो आज भी यादगार है। निश्चित रूप से भर्ती बोर्ड में वो पहुंचे हैं तो वहाँ की जो सबसे बड़ी जो
जो वहाँ पर काम होता है पारदर्शी तरीके से वहाँ पर पदोन्नति कराना, और साथ ही साथ जब पुलिस भर्ती बोर्ड अपने जो अभ्यर्थियों को भर्ती करता, अभी हाल में ही कुछ भर्तियां निकलने वाली है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की आशा है कि वहाँ पर एक पारदर्शी तरीके काम हो। अब उम्मीद है कि जो ध्रुव कुमार ठाकुर IPS ADG स्तर पर वहाँ पर पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर बेहतर काम करेंगे। अजय सिंह मीणा के बारे में भी लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि उनको कहीं कहीं अच्छी जगह भेजा जाएगा, और आज उनको कल देर रात के तबादले हुए तो अजय सिंह मीणा को भी ठीक है अनुप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में दो IPS वरिष्ठ IPS अफसरों की ये फेरबदल हुआ है, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद अग्निकांड में 6 लोगों की मौत, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, फिरोजाबाद से सामने आ रही है। फिरोजाबाद अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हुई है, फिरोजाबाद अग्निकांड में 6 लोगों की मौत जिनमें 3 बच्चे शामिल थे, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। मकान में आग लगी थी, मौजूद आपको बता दें 9 लोग मकान में मौजूद थे, 3 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया, 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं और आग पर काबू पा लिया गया है फिलहाल। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं फिरोजाबाद से, मकान में आग लगी थी, मकान में बताया जा रहा कि 9 लोग मौजूद थे और 3 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है, 18 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू कर ली। लेकिन दुखद खबर यह है कि अग्निकांड में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 6 लोगों की मौत हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपक, ये बड़ा अग्निकांड देखने को मिला है जिसमें 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन दुखद बात यह है कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या अपडेट, क्या खबर है आपके पास? यहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई है जिसमें 35 घटने से फर्नीचर में आग लगी, और फर्नीचर से आग पकड़ते ही एक दूसरी मंजिल पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था उसमें भी आग ने उसको पकड़ लिया और दूसरे सिलेंडर फट गए, लगभग 6 लोगों की मौत हुई है। आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ की 3 बच्चे हैं, ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर 3 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से, एक बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर में, गीडा स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ है, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। गोरखपुर में गीडा स्थापना दिवस पर स्थापना कार्यक्रम दिवस मनाया गया है, और ये कार्यक्रम था गीडा को CM योगी आदित्यनाथ करोड़ों की सौगात देंगे, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण होगा। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से सीधे जुड़ चुके हैं सुभाष गुप्ता तमाम जानकारी के साथ। सुभाष, गोरखपुर में गीडा का स्थापना दिवस मनाया गया है, इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का बताया जा रहा है कि लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, क्या खबर है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल कृतमान, मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 6 से 7 के बीच में गोरखपुर गीडा स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ 504 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं का आयोजन 49 परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि गीडा की स्थापना आज से 34 वर्ष पूर्व हुई थी, और संघर्षों के समय यानी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति में उतरे थे और सांसद बने थे उस समय उनके संघर्षों का दौर था, और उस समय जो है तमाम जो है जो भूमि है भूमि आवंटन के लिए तमाम जो है उन्होंने संघर्ष किया था, किसानों को मुआवजा दिलाया था। अब वो व्यापारियों के लिए तमाम हमेशा खड़े रहते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो उन्होंने गीडा में फैक्ट्री लगा रखी है उसके लिए वो तमाम संघर्ष करते हैं, और मुख्यमंत्री हैं स्वयं आज जो है 504 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें फूड पार्क हो गया, तमाम ऐसी जो है परियोजनाएं हैं जिनका आज मुख्यमंत्री खुद जो है वहां पे शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि करीब 3,400 लोगों को इस निवेश से यानी कि तमाम फैक्ट्रियां जो जिसका शिलान्यास होने वाला है, लगभग 3,400 लोगों को
वहां रोजगार भी मिलेगा। सुभाष, हम देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, गोरखपुर ने भी विकास की रफ्तार पकड़ ली है और लगातार एक के बाद वहां पर एक जो विकास के जो नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, नए फैक्ट्रियां वहां पर आ रही हैं, इससे गोरखपुर लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। जी बिल्कुल कृति, मैं बता दूं कि अब से दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री गोरखपुर आए हुए थे और दो दिन के दौरे पर थे और उन्होंने 1822 करोड़ रुपए की जो है तमाम परियोजनाओं का जो है वो उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक गृह जनपद है, यहाँ पे उन्होंने काफी संघर्ष किया है और अब वो प्रदेश के मुखिया है तो कहीं ना कहीं गोरखपुर के लिए उनके हृदय में एक अलग जगह है और तमाम यहाँ पे जो है वो जब भी आते हैं बड़ी बड़ी सौगातें देते रहते हैं। जी कृपया। ठीक है सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में ये विकास का एक और नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। गीडा के स्थापना कार्यक्रम दिवस में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को 504 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें आपको बता दें करीब 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे थे। हमारे सहयोगी भी आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से गोरखपुर में विकास के नए प्रतिमान जो है स्थापित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा आज, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी।